हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा मेंस एग्जाम का सैंपल पेपर, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस पेपर में हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। हम लोग आज इस टेस्ट सीरीज़ का 10वां भाग डिस्कस करेंगे, 10 पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 9 टेस्ट सीरीज डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी जो टेस्ट सीरीज आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं। साथ में बिहार दरोगा मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो बिना समय गवाए लेके चलते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपके सामने है, पूछा है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ कंट्री का नाम दिया हुआ है और वहाँ पूछा है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए में। यूएसए में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? द्विदलीय पद्धति वह राजनीतिक प्रणाली है जहां सरकार में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रबल होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पार्टी पद्धति एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करती है जिसके अंतर्गत उनके सभी निर्वाचित सरकारी सदस्य जो होते हैं सिर्फ दो बड़ी पार्टियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो द्विदलीय पद्धति यूएसए में पाई जाती है। बात किया जाए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है, रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है। तो रानी की वाव सबसे पहले बात करेंगे, यह गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में पाटन में स्थित है रानी की वाव। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ीदार कुआं है और वहाँ पे जो मूर्तियाँ की बात किया गया है वो अधिकतर मूर्तियाँ जो हैं वो विष्णु भगवान जी की मूर्ति हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा में पूछा है, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलयन क्या है। तो यहाँ पे 3 का सही जवाब आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा, रुगई। रुगई जो है वो क्या होते हैं, अमाशय के भीतर अस्तर वलनों में से भरे होते हैं जिन्हें रुगई या जठरीय मोड़ कहा जाता है, गैस्ट्रिक फोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन सी हुआ। ये साइंस का क्वेश्चन था। यहीं पे बात किया जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने दिया हुआ है, 1767 से 69 के बीच में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो पहला मैसूर का युद्ध हुआ था वो किसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो चौथा का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मद्रास की संधि के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश आपके जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़े जाने वाला पहला मैसूर का युद्ध जो चला था 1767 से 69 के बीच में चला था और वहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी तभी ये युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वां की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों के कार्य में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था। तो 1773 के अधिनियम का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब आपका 5वां नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, नियामक अधिनियम था। क्या नाम था? नियामक अधिनियम। आगे देखते हैं 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल में शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गोंड पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही जवाब आप 6ठा का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1539 ईस्वी में, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था उसी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो इसका सही जवाब आपके सामने है 6ठा का ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल पूछा है, निम्नलिखित मृदा में सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी पाई जाती है। तो जो मिट्टी होती है उसमें सभी अनुर्वरक जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी में पाई जाती है। तो 7वां नंबर का सवाल आपके सामने होगा और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। यह मिट्टी को हम लोग इंटेंसिव लीचिंग प्रोसेस से बनती है, तीव्र निक्षालन पद्धति से बनती है और न्यून क्षारक मतलब सबसे कम बेसिक बात किया जाए तो यही मिट्टी होती है, इसी के कारण इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। और यह मुख्यतः अनु उर्वरक होती है, कम उर्वरक होती है। फसल उत्पादन की बात किया जाए तो इस मिट्टी का बहुत कम उपयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से विषम मद का पता लगाइए। तो सबसे विषम अलग कौन सा है? तो 8वां का सही जवाब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, संगमरमर। संगमरमर जो है वो बाकी तीनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। संगमरमर जो है कायांत्रित चट्टान का एक प्रकार है। यह एक अप मतलब एक तरह से ये नॉन फॉलिटेड तरह से बना हुआ है, रूपांतरित करके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से संगमरमर अलग है, ठीक है, या कायांत्रित चट्टान का उदाहरण है। बाकी जो है आपके जितने सारे दिए हुए हैं वो अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आगे बात किया जाए यहाँ पे 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? तो किसके कारण से मरुस्थल में आपकी वनस्पतियों की कमी होती है? तो 9 का ऑप्शन आपके सामने डी सही हो जाएगा, वर्षा की कमी होती है, इसी के कारण वहाँ पे वनस्पतियों की कमी होती है। बाकी सारी बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्षा की कमी। आगे देखते हैं 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा यहाँ पे कुछ मिट्टी है उससे मिलता जुलता उनसी से संबंधित चीज़ें दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10वां का खादर और बांगर। तो खादर और बांगर जो है वो आपका किसका है? जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 10वां का और ऑप्शन देखते हैं। वहीं पर खादर सुशस्त्री मिट्टी का उदाहरण दिया गया है, तो ये जोड़ा ही गलत है, ठीक है, ये जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी हम और ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि खादर और बांगर हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का एक उदाहरण है, ठीक है, प्रकार है। यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे जैसा यहाँ पे पेड़जोल जो है, ठीक है, पोड़ नीचे कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, पोड़जोल सुशस्त्री मिट्टी ये सही जवाब है। चेस्टनट जो है सुशस्त्री मिट्टी है, और भांगर जो है अशस्त्री मिट्टी, ये सभी सही है। बाकी आपका खादर का जो है वो सुशस्त्री मिट्टी नहीं होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल आपके सामने है, और 11 नंबर सवाल में पूछा है वहाँ पे सिरक्को तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिरक्को का सही दिशा क्या है? तो जैसा कि आपको पता है सिरक्को एक गर्म शुष्क तथा रेत और धूल कण युक्त हवा होती है। यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। इटली में इसका नाम सिरक्को, मिस्र में इसका नाम खमसीन, लीबिया में इसका नाम गिबली हो जाता है, और ट्यूनिशिया में इसका नाम चिली, और स्पेन में लेवेक नाम से जाना जाता है। ये इतने नामों से जाता था अलग अलग कंट्री में। तो इसका डायरेक्शन की बात किया जाए तो 11 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सहारा से भूमध्य सागर के बीच में, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव कारक है? तो कौन सा अजैव कारक है? तो 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नमी। नमी एक आपका अजैव कारक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल क्या कहता है? 13 नंबर सवाल में पूछा हुआ है बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि, मतलब बहुत सारे जो घास की पत्तियां होती है, तृण मतलब होता है घास, घास की पत्तियां जो होती है वलित होती है और अनुवलित होती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो 13 का बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि उनमें से विशेष आवर्धक तत्व कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। आगे देखिए पलूरा किसका आवरण है? तो पलूरा किसका आवरण है? 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फुसफुस का। जैसा कि पता है शरीर में पलूरा उत्तक का एक बड़ा और पतला सीट होता है जो फेफड़े के बाहर भाग को चारों ओर से लपेटे रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा है निम्न में से कौन सा एक अंडत स्तनी है? ठीक है, अंडत स्तनी है मतलब अंडा भी देती है और मतलब माता की जैसा फीडिंग करती है, दूध पिलाई जाती है, स्तनपाई है। तो 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बतख, चोंच, डक बिल्ड, ठीक है। 15 का बात किया जाए तो प्लेटीपस जिसे हम लोग डक बिल्ड प्लेटीपस भी कहा जाता है एक अर्ध जलीय अंडा देने वाला स्तनधारी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल पूछा है न्यूक्लिक रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक के रूप में किसे हम लोग जानते हैं? 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, साधारण जल, ठीक है,
ऑप्शन ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल पूछता है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो 17 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा है डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है। तो डाटा लॉजिक के इनपुट और आउटपुट के नियंत्रक को क्या कहते हैं? तो 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बफरिंग कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 19, और 19 में भी हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है? तो मेरे साथ में कंटिन्यू देखे रहें, और अभी भी बच्चे आप लगे रहिए, ठीक है? बिहार दरोगा के लिए, मेंस के लिए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनका मेंस क्लियर होना ही होना है। बीच बीच में आप टेस्ट सीरीज हमारे साथ में करते रहें। 19 नंबर सवाल में पूछा है बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम लोग बायोस कहते हैं, जो कंप्यूटर में लगा होता है। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वोल्टेइक सेल, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेइक सेल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 21 नंबर में, पूछा है मेढक के ब्रिक किस प्रकार के होते हैं? तो मेढक का जो ब्रिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य ब्रिक होते हैं। क्या होते हैं? मध्य ब्रिक होते हैं, जिसे हम लोग मिजोन फ्रॉन्स कहा जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो 22 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण के लिए जाना जाता है। सॉरी, 23 नंबर सवाल पूछा है कॉकरोच किस प्रकार का प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो कॉकरोच किस प्रकार का प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो 23 का बी, ठीक है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो 23 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आने वाले जीव में तेलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी इत्यादि आते हैं। तो ध्यान रखें, कभी बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। 24 नंबर सवाल में आप देख रहे होंगे सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इसे कहते हैं रासायनिक नाम, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 24 का ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मूला आपका होगा CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ये जिप्सम से बनता है। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल है, पूछा है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1950 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री कुलपति डॉक्टर A.M. मुंशी ने किया था। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल में पूछा कुनेन की औषध किससे प्राप्त होती है? ये भी सवाल कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंकोना के पौधे से। 27 नंबर सवाल आपके सामने है, सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो 27 नंबर सवाल के ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रंजीत सिंह के सेना के तहत बनाई गई थी सिख खालसा सेना, ठीक है। तो 27 नंबर का ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाराणा रंजीत सिंह जो थे उन्हें हम लोग शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान में रखें, कई बार पूछा हुआ ये सवाल है। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल, पूछा हुआ है टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? तो 28 का आपके सामने ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1870 के दशक में हुआ था टेलीफोन का आविष्कार, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने अपने सहायक टॉम्स वाटसन की सहायता से
10 मार्च 1976 डेट सही बात किया जाए तो 10 मार्च 1976 1876 सॉरी 1876 ईस्वी को टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्रामविल ने। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है तो 29 का आपके सामने देखिए, बाकी जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। पौधा संरक्षण से, पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी डी आपका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। महिलाओं का एक समूह पेड़ में चिपक कर उसको काटने का विरोध करती थी। धीरे धीरे यह पूरे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फैल गया। इस आंदोलन के प्रतिपादक की बात किया जाए तो सुरेंद्र लाल बहुगुणा जी का नाम आता है। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल, पौधे किस प्रक्रिया में प्रजनन करते हैं? तो पौधे किस प्रक्रिया में प्रजनन करते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रांगण में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पूछा है, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो 31 का ऑप्शन ए, जैसा आप सभी को पता है, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, यह 8 राज्यों के अंतर्गत कृषि के लिए लाभ पहुंचाती है, जो हमारे भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 47% भाग अकेला गंगा बेसिन में स्थित है। आगे देखते हैं, 32 नंबर सवाल आपके सामने है और 32 नंबर सवाल में पूछा गया है, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न में किसके विरुद्ध थे? तो बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध थे? तो 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के खिलाफ थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 33 नंबर सवाल पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, तो 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शहर योजना प्रणाली पे आधारित थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के लिए जानी जाती थी शहर योजना प्रणाली। आगे देखते हैं आपका 34 नंबर सवाल, 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है? तो 4 आश्रम किससे संबंधित है? तो 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवन के चरणों से। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी, जो इस प्रकार है, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 साल, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। 35 नंबर सवाल की बात किया जाए तो 35 नंबर सवाल आपके सामने है, मृदा संरक्षण में वैधीकरण निम्न में सहायक करती है? तो मृदा संरक्षण में वैधीकरण किस में सहायता करती है? तो 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में। किस में? पहाड़ी क्षेत्रों में। आगे देखते हैं, 36 नंबर में विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है? तो मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें मैकेनिकल कार्य करके देती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं जनरेटर इसका उल्टा कार्य करती है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। आगे देखते हैं, 37 नंबर सवाल पूछा है कि निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल में पूछा हुआ है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए उत्तरदायी बताया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले साहब को, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जाना जाता है। 39, राज्यसभा में ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया था? तो ये भी सवाल बहुत पुराना सवाल है और ये भी सवाल पूछा जाता है कि विवाह कानून संशोधन जो हुआ था
विधेयक 2012 किस तारीख को पारित हुआ था? तो आपका 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये 26 अगस्त 1913 को ये पारित हुआ था। आगे देखते हैं 40 नंबर, 40 नंबर पूछा है किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? तो 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 ईस्वी में बना था। क्रिकेट के पिच की लंबाई की भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज होती है। गेंद का भार पूछा जाता था, तो 155 से 163 ग्राम का होता है। बल्ले की लंबाई भी पूछा जाता है, तो आपका 10.8 सेंटीमीटर और स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी सवाल क्रिकेट से कई बार पूछा जाता है और इसे जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। 41 नंबर सवाल, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन की बात किया जाए, तो 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये मौलिक अधिकार देने का प्रयोजन किया गया था। आगे देखते हैं 42 नंबर सवाल पूछा है प्लासी का युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो 42 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सिराज उल दौला, ठीक है, सिराज उद दौला बंगाल के नवाब थे उस समय के। आगे देखते हैं 43, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है, तो ऑप्शन ये सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान की बात किया जाए लिखित संविधान, तो भारत का है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 44 नंबर सवाल में पूछा है उपासिकाएं कौन थी? तो उपासिकाएं कौन थी, तो 44 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं को हम लोग क्या कहते थे, उपासिकाएं कहते थे। 45 में पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात किया जाए, तो 45 का ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, और इनका जन्मदिन भी अभी रिसेंटली मनाया गया है, तो कमेंट करके लिखें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन कौन से तारीख को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 46 नंबर सवाल, सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन की बात किया जाए, 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि मंत्रालय करता है। 47 में लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लघु पदार्थ छोटे पदार्थों के विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो 47 का हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि इसका सही जवाब आपका यहाँ पे, बाकी ऑप्शन को देखते हैं, आणविक जीव विज्ञान पहला ऑप्शन बनाया था इन्होंने, और आगे देख लेते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, और डी है ब्रह्मांड विज्ञान। तो लघु पदार्थ के विज्ञान को हम लोग नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, 48 में दिया हुआ है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ था? तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ था? तो 48 का आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा है यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए सही अनुक्रम पूछा है, ये हमारे रूलिंग जो रूल किए थे तो किस तरह से इनका सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले कौन आया था? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये क्रम जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल में पूछा था कि कौन सा ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, 1628 ईस्वी में इसका सही जवाब हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। जहांगीर के पुत्र शाहजहां का समय मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के समय को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह 4 फरवरी 1628 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसने दिल्ली का लाल किला बनाया है, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल और साथ साथ में आगरा में ही लाल किला बनवाया है,
और उसमें लाल किले में मोती मस्जिद की बात किया जाए तो शाहजहां ने बनाया है। जो लाल किले, जो दिल्ली का लाल किला है उसमें एक मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 51 की बात किया जाए तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त के शासनकाल में हुआ था, परंतु गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आगे देखते हैं, 52 में है, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलने वाले विषाणु को किसने अलग किया था, तो इसका सही जवाब 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर स्टेन ने, ठीक है, स्टेन ले ने किया था। आगे देखते हैं, तो यहाँ से एक सवाल भी पूछता है कि तंबाकू में कौन सा रोग पाया जाता है, तो मोजेक। ठीक है, 53 में देखिए, जिस पुस्तक में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो 53 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसे हम लोग रेड बुक कहते हैं, या तो रेड डेटा बुक या लाल किताब कहते हैं, लाल पुस्तक। इसमें क्या होता है, लाल पुस्तक में इंडेंजर स्पीसीज, जिनकी प्रजातियां खत्म होते जा रही है, उन्हीं के बारे में उल्लेख किया जाता है। आइए देखते हैं 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, पूछा वहां पे कि अनावृत बीजों में, बीज फलों में संलग्न रहते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, द्विबीजीय प्रति और एक बीजीय प्रति आवृत बीजियों में शामिल होते हैं, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो 54 का ऑप्शन बी, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। आगे देखते हैं हम लोग 55 नंबर सवाल, और पूछा है यहाँ पे कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो 55 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नील आम स्ट्रांग चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला पहला व्यक्ति था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 55 के बाद 56 नंबर सवाल, पूछा है एगर एगर किससे तैयार किया जाता है, तो एगर एगर किससे तैयार किया जाता है, 56 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, शैवाल से तैयार किया जाता है, तो 56 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, रॉकेट निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट निम्नलिखित में संवेग के संरक्षण पर काम करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम या तो संवेग संरक्षण के नियम को अभिव्यक्त करता है, ध्यान रखें। 58 की बात किया जाए तो परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो परम शून्य ताप पर की बात किया जाए तो जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है, वो किस प्रकार कार्य करता है, तो 58 का ऑप्शन बी, ठीक है, पूर्ण विद्युत रोधक के रूप में बात करता है, मतलब इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं 59 नंबर सवाल में पूछा है, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है, ये किस कारण होता है, तो 59 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। 60 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है और 60 नंबर सवाल आपके सामने दिया है, क्या कि बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय प्राध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणिक होती है, ऐसा क्यों होता है, तो 60 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक्सरे प्राध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है, तो एक्सरे जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक होता है प्राध्वनिक तरंगों की तुलना में, इसी वजह से हम लोग प्राध्वनिक तरंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। 61 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन, 61 का पहला सही जवाब हो जाएगा,
फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आगे बात करते हैं हम लोग कि प्राइमरी की क्या भूमिका है। तो प्राइमरी की कि क्या भूमिका है, तो ये कंप्यूटर का सवाल है। जो प्राइमरी की माना जाता है उसकी क्या भूमिका होती है, तो 62 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऐसी की होती हैं जो पंक्ति की विलक्षण ढंग से पहचान करती हैं, तो ऑप्शन सी होती हैं, और वे की को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। आगे देखते हैं, दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पे 63 में पूछा है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर आपका ऑप्शन बी एथिलीन क्लोराइड बनता है, तो एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्वारेजिया में क्या होता है, तो एक्वारेजिया में क्या होता है, तो एक्वारेजिया में जैसा कि आपको पता है 64 का, ठीक है, तो एक्वारेजिया किससे मिलता है, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सांद्रण HCl के तीन भाग और सांद्रण H2SO4 के वन भाग होते हैं। आगे दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन और देख लेते हैं कि आपका दिया हुआ सांद्र H2SO4 के तीन भाग और HNO3 के एक भाग होता है, फिर यहाँ पे सांद्र HCl के तीन भाग और HNO3 का एक भाग होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले एक्वारेजिया जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 से होके मिलता है, और इनका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तीन किसका होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक का जो अनुपात होता है 3 होता है, और HNO3 का जो होता है नाइट्रिक एसिड का, उसका अनुपात 1 होता है। तो HCl का 3 ध्यान रखेंगे, HCl में 3 लेटर होते हैं HCl, इस वजह से 3 आप ध्यान रखेंगे HCl की तरफ होगा। ये आपका एक ट्रिक हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग 65 नंबर सवाल में है, पूछा हुआ है समान अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो जो आपका जनरल आपका अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न की जाती है वो किससे उत्पन्न की जाती है, तो 65 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। 66 में पूछा है मंड जिसे स्टार्च कहते हैं किसका उदाहरण है, तो मंड जो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे पूछा है किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, तो कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बी जो है हर तरह के रक्त समूह को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि आपको यूनिवर्सल डोनर बात किया जाए जो क्या कहते हैं सभी को दे सकता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाता, ग्रुप ओ। 68 में पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय खाद्य निगम FCI का स्थापना किया गया था, तो 60S का ऑप्शन सी सही होगा, 1965 ईस्वी में, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 69 में पूछा है मानसून शब्द का तात्पर्य है, तो मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है, तो 69 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हवाओं के रुख का बदलना ही मानसून कहलाता है। 70 नंबर सवाल आपके सामने है, 70 नंबर सवाल में पूछा हुआ है CO2 की तुलना में अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं PFTBA फ्लोरोडोट्राइब्यूटिलएमीन कहते हैं, के बारे में सूचना हाल में कहां के वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। CO2 की तुलना में अधिक हानिकारक जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, वो इसकी सूचना कहां के वैज्ञानिकों ने दी थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टोरंटो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दी थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, 70 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। 71 के बारे में चार आर्य सत्य किसकी साहित्य है, तो चार आर्य सत्य जो है, ठीक, वो किसकी साहित्य है, तो 71 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बौद्ध धर्म के साहित्य है। आगे देखते हैं बाणभट्ट किसके दरबारी या तो लेखक कवि थे,
तो बाणभट्ट की बात किया जाए तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबारी लेखक या कवि कहें, ठीक है। तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के लेखक या दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं हम लोग 73। 73 में पूछा है बोर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो केमिस्ट्री से एक सवाल दिया हुआ है कि बोर का मॉडल जो दिया गया था वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊर्जा के परमाणविकरण की अवधारणा से संबंधित था। 74 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, तो 74 आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आगे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ 74, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा भारतीय संविधान के संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो 74 का आप देखेंगे तो रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यिक बैंकिंग, ये तीनों जो हैं भारतीय संघ सूची के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 75 नंबर सवाल आप देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो भारत में जब भी वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसको अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 75 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर में डिपेंड करता है वो कितने दिनों तक तो बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ सवाल, और मैथ के सवाल बहुत अच्छे से सवाल हैं, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें और लगातार देखते रहें, क्योंकि सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ में लगे रहेंगे चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 25 सवाल जो होंगे जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे, जो मैथ और रीजनिंग से होंगे, जैसा कि सिलेबस में बताया गया है बिहार दरोगा मेंस के सिलेबस में। तो आइए देखते हैं, किसी किसी संख्या का 1/7 का 2/3, 240 का 87.5% के बराबर है, तो संख्या क्या है, तो संख्या को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और एक्स की बात किया जाए तो 1/7 गुने में 2/3 और बराबर में दिया हुआ है 240 का 87.5%, और 87.5% का मान होता है 7/8। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से देखिए 8 से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, 240 को ये 8 या 24 तीन बार में, और 2 से ये 15 बार में, तो आपके पास जो है एक्स का मान आ जाएगा कितना, ये 15 गुने में 7 गुने में 21। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो जवाब आएगा वो 2205 इसका सही जवाब हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा आपके सामने, 2205 हो जाएगा, तो ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का सवाल दिया हुआ, दशमलव के चार स्थान तक लेना है 1/4, तो 1/4 यहाँ से आप ले लीजिए, प्लस में करना है 1/4 × 5 मतलब 1/20, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दिया हुआ है सॉरी फिर इसको दिया नीचे दिया हुआ है 1/4 × 5 × 6, तो 4 × 5 = 120 होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37/120, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो आएगा ऑप्शन, ठीक है, 0.3083 ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए एक 78 नंबर सवाल दिया है, अब से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी है, अब से 15 वर्ष बाद मतलब व्यक्ति की आयु 15 वर्ष वर्तमान आयु है, तो अब से 15 साल बाद तो x प्लस 15 जो है वो आपका 4 गुनी हो जाएगी अभी से 15 साल पहले, मतलब x माइनस 15 से। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये x आएगा और ये 15 आएगा, और इधर आपका 4x और माइनस में 60 आएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 60 इधर ले गए, 15 और 60 75 हो जाएगा, और इधर पे आपका आएगा 3x, तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 25, अर्थात व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना होगा, ऑप्शन बी 25 साल। आगे देखते हैं, आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप है 50 मीटर, कितना दिया हुआ है 50 मीटर परिमाप दिया हुआ है, तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से देखिए कि
कि यहाँ पे जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है आपका आयत का परिमाप। ये दिया है आपका 50, अर्थात आप यहाँ से 2 से 50 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25, मतलब एल प्लस बी जो है वो आपका आया है 25, ठीक है। और लंबाई जो चौड़ाई से आपका कितना ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है, तो एल माइनस आपका बी जो है वो कितना है, 13। यहाँ से बात करेंगे तो बी और बी कट जाएगा, 2L बराबर में आपका आ जाएगा कितना, 38, ठीक है। तो L का मान निकालेंगे, L बराबर आ जाएगा 19, ठीक है, और B बराबर आपका आ जाएगा 6। यहाँ से एरिया पूछेगा तो L का मान आपका 19 है और B का मान है 6, तो इसका सही जवाब एरिया क्या होगा, L इंटू बी, मतलब 19 × 114 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 80 नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है, मैं सवाल को समझाऊंगा आपको, बाकी सवाल करेंगे हम लोग, कि 100 मीटर तथा 800 मीटर की भूमि का एक टुकड़े को 4 आयताकार बगीचों में 20 मीटर चौड़ी एक दूसरे से लंबवत 2 सड़क द्वारा बांटा गया है, 5 मीटर प्रति वर्ग की दर से सड़क का निर्माण लागत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का एक आपका आयताकार भूमि होगा जिसकी लंबाई क्या होगी, 800, ठीक है, और चौड़ाई क्या होगी आपकी, 100 होगी, ठीक है। इसके बीचों बीच एक सड़क जो है 20 मीटर चौड़ा, जो इसको 4 बराबर भाग में बांटता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इस सड़क का जो आपकी चौड़ाई है वो 20 मीटर है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल जब भी आते हैं कि बीचों बीच जो आपका लंबाई और चौड़ाई के समानांतर सड़क बनाया जाता है, तो सड़क का जो क्षेत्रफल होता है उसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो उसका सड़क का फार्मूला, अब एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, जो आपकी चौड़ाई है सड़क की जिसे हम लोग एक्स मानते हैं, और अंदर में एल प्लस में आपका बी और माइनस में फिर से एक्स करते हैं। इस तरह से हम बात करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, आपका एक्स का मान 20 है और अंदर में एल कितना है, एल है आपका 800, माइनस में प्लस में आपका 100 और माइनस में 20। इस तरह से एरिया की बात किया जाए तो एरिया आपका आएगा 176 पर 00 आ जाएगा, और एक यूनिट एरिया को बनाने में 5 रुपया खर्च आता है, तो 176 100 यूनिट एरिया को बनाने में कितना खर्च आएगा, तो ये आएगा 88,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 88,000 रुपये इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने क्या, कि 5 लड़के एक लाइन में इस प्रकार खड़े हैं, उनमें से एक वृत्त बनता है, तो मतलब एक सर्कल बनता है, इस तरह से खड़े हैं। बोला है राहुल अंशुल तथा भानु के बीच में, राहुल अंशुल तथा भानु के बीच में, तो यहाँ पे हम राहुल की बात करते हैं, तो ये आपका राहुल है, ठीक है, वो आपका अंशुल, ठीक है, अंशुल, और इधर आपका भानु के बीच में है। बोला हुआ है कि अमित साहिल के बाईं ओर है, अमित जो है वो साहिल के बाईं ओर है, तो यहाँ पे हम अमित ले लेते हैं और ये आपका साहिल है, साहिल के बाईं ओर, ठीक है, ले भाई ये आपका अमित है, बाईं ओर है। आगे दिया है अंशुल अमित की बाईं ओर है, तो अमित की बाईं ओर है, तो बिल्कुल ये सही है, ये अंशुल है, सही जवाब है, ठीक है। पूछा राहुल के दाईं ओर कौन है, तो राहुल के दाईं ओर की बात किया जाए तो अंशुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे डी हो जाएगा इसका सही जवाब, बना के देखें इस सवाल को। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 82 नंबर सवाल, 82 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे निम्नलिखित में प्रश्नों में दिया गया है, यहाँ पे ये सवाल बनाया गया है, यहाँ पे देखें खाली जगह दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आंसर को भरना है। तो यहाँ पे देखिए, 45 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 54 आ जाएगा, 49 12 को जोड़ेंगे 61 आ जाएगा, तो इसमें से 10 में से क्या जोड़ेंगे जो 45 आएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 35, ऑप्शन सी। आगे देखिए, यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे, एक का जो मान है, एक का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पे ये जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ पे जोड़ लगा देंगे। सी का मान होता है आपका भाग, और डी का मान होता है गुना, और बी का अर्थ होता है आपको घटाना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो बन के आएगा, इसको सॉल्व करने में 478 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कथन के अनुसार। आगे देखिए, यहाँ पे इस तरह से सवाल भी एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 84 में भरने की बात किया जाए, तो 84 में देखिए इसका सही जवाब आपका YBXC, ऑप्शन बी यहाँ पे भराएगा। आप देखिए इसको बनाएंगे
तो कुछ एक लॉजिक बन जाएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 85 नंबर सवाल, एक घड़ी सुबह आपका, देखिए एक घड़ी है, ये सुबह आपका बज रहा है 4:30, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई इस प्रकार कुछ होगी। बोला है यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो, तो मिनट की सुई आपका क्या है, ये नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसी के अपोजिट में क्या होगा आपका, ये साउथ हो जाएगा और नॉर्थ हो जाएगा, और ये इस कुछ इस तरह होगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पूछा है तो घंटे की सुई किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 86 नंबर सवाल पूछा है, एक बिंदु की बात किया गया है, एक बिंदु से राम पूरब की तरफ चलना शुरू करता है, 35 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम, ये आपका हो गया उत्तर और ये आपका हो गया दक्षिण। तो यहाँ पे देखिए पूरब की ओर 35 मीटर चलता है, मान लीजिए यहाँ पे 35 मीटर चल गया है, फिर वहाँ पे जाके बाईं मुड़ता है, सॉरी वहाँ पे जाके दाईं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से जाके फिर ये 20 मीटर चला गया है, फिर वहाँ पे जाके दोबारा दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के फिर 35 आता है, तो ये 35 मीटर हो गया है, फिर अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो यहाँ जाने के बाद फिर से ये 20 मीटर आगे चला गया। तो ये जब 20 है तो ये भी 20 होगा। तो पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से लेके ये बिंदु पूछा है, तो 20 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 40 मीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं 87 ने पूछा है, जलयान समुद्र से रिलेटेड है, तो ऊँट किससे है, तो ऊँट रेगिस्तान से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा है 88 में कपास से कपड़े बनते हैं, तो इसी तरह किससे संबंधित है, तो मिट्टी से आपका क्या बनता है, मिट्टी का भंडार जिसे हम लोग भांड कर्म कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, उसी प्रकार पुष्प जो है वो किससे संबंधित है, तो कली से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 90 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र और मंगल बुध शुक्र एक समान है, तो यह ये तीनों क्या है, एक ग्रह है, प्लैनेट है। आगे देखते हैं पूछा हुआ यहाँ पे 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष के बाद 1248 रुपये प्राप्त होता है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, तो 2% 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4%, तो 4% होने से मिश्रधन जो हुआ, मतलब मूलधन 100% है, तो 104% का मान आपके सामने दिया हुआ है 1248 रुपये। तो अब से 2 साल पहले वर्तमान मूल्य पूछा जाए तो 100% का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 1248 बटे में यहाँ पे होगा 104 और गुने में आपका हो जाएगा 100, तो इस तरह से सही जवाब आपका क्या आएगा, 1200। तो इस सवाल का सही जवाब 91 का 1200 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखते हैं दिया हुआ है यहाँ पे क्या, 92 का 31 रुपये में एक किताब बेचने पर एक व्यापारी को अपनी लागत मूल्य का 7% की हानि होती है, वह किताब को किस मूल पर 35 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ होती है। तो 31 रुपये आपको दिया हुआ है क्या, एसपी 7% की हानि होती है, तो एसपी जब कितना है वो आपका 7% हानि, मतलब 93%, तो 93% का मान 31 है, तो हम सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, 100%, 100% का जो मान आएगा आपका 100/3 आ जाएगा, क्योंकि आपका 31 या 93 करेंगे तो 100/3 आ जाएगा 33.5। जब आप 35 रुपये में इसे बेचोगे तो लाभ आपका जो होगा वो 5/3 होगा, ठीक है, 5/3 किसे, 100/3 में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 5% होगा, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से दिया हुआ है, 2 साकेंद्रिक वृत्तों के मध्य घेरे का क्षेत्रफल क्या है, जिसकी परिधियां 88 तथा 132 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए एक साकेंद्रिक का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है, समान होता है, तो एक उनकी परिधियां क्या है, 88 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर की परिधि है, तो जो अंदर वाला है उसके 88 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो स्मॉल आर का मान आएगा वो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, और जिनकी परिधि 132 है उससे जो आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग जो ये दोनों के बीच वाला हिस्सा है, इस हिस्से का, दोनों के बीच वाले हिस्से का एरिया निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा पाई कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पाई का मान रखेंगे, बड़े आर का मान 21 रखेंगे, छोटे आर का मान 14 रखेंगे, तब आपका जो आएगा इसका 93 का आपका ऑप्शन
यहाँ आपसे 770 770 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। दिया हुआ यहाँ पे है कि 2000 रुपये पे 3 वर्ष के 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो 5%, 5% का जो मान होता है, हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे 1/20, कहने का मतलब ये 20 से आपका 21 हो जाएगा पहले साल, फिर से 20 से 21, फिर 20 से आपका 21 हो जाएगा। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से, इस तरह से हमारा ये 8000 हो जाएगा और ये आपका 9261 हो जाएगा। इस तरह से 8000 की धनराशि 9261, अर्थात में आपको CI जो मिलेगा वो कितना मिलता है आपका 1261। लेकिन आपका जो 8000 नहीं है, आपका जो धनराशि 8000 के जगह में 2000 है, मतलब 1/4 है। कितना है? 1/4। तो आंसर जो CI बताएंगे 1261 को 4 से भाग देके बताएंगे, तो इसका सही जवाब आपका 94 का क्या आएगा, 315.25 आएगा, 25 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पूछा हुआ है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 4/3 भाग है, मतलब SP जो है आपका CP का कितना है, तो CP का आपका 4/3 है। कितना है? 4/3, अर्थात आपका यहाँ पे SP बटे में CP किया जाए तो आपके कितना होगा, 4/3, मतलब 3 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचता है, तो 1 रुपया का लाभ होता है किससे, 3 रुपया से। गुने में 100 कर लेंगे तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 33 है 1/3%। आगे देखते हैं 96 नंबर सवाल पूछा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होने में इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 रुपया है यहाँ पे, आपका 15 वर्ष की बात किया जाता है तो ये बन जाता है 2 रुपया, अर्थात यहाँ पे जो ब्याज मिलता है SI मिलता है वो कितना मिलता है, तो SI आपको 1 रुपया मिला। 1 रुपया को आपको 3 रुपया करना है, SI आप लेना चाहते हैं 2 रुपये, कितना लेना चाहते हैं 2 रुपये। तो पहले 1 रुपया SI था, बाद में 2 रुपये लेना चाहते हैं, तो 2 गुना हो गया, तो समय भी जो होगा आपका 2 गुना लगेगा, अर्थात 30 वर्ष लगेगा, और 30 वर्ष इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सवाल कि किसी निश्चित संकेतिक भाषा को 35, ठीक है 3579 को हम लोग 2345 लिखते हैं, मतलब एक एक घटा के लिखते हैं, तो उसी संकेतिक भाषा में 6985 को क्या लिखते हैं। तो पहली बार में 1 घटाएंगे, दूसरे बार में 2, तीसरे बार 3, चौथे बार में 4 घटा के लिखा है, सॉरी, ठीक है अब देख लेंगे। तो इसी को आपको 6 को क्या लिखना है, 5 लिखना है, 9 को 7 लिखेंगे, 8 को आप लोग 3 घटा के 5 लिखेंगे, और 5 को 4 घटा के 1 लिखेंगे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए इसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार कि लोड को हम लोग 9174 कहते हैं, डायस को 4865 लिखते हैं, तो आइडियल को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 98 का सही जवाब 84579, 84579 पहला सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त चार्ट से पाए, ठीक है, वनस्पति फल बैगन के समूह को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए वनस्पति के अंदर में आपका क्या आएगा, बैगन भी आएगा, फल भी आएगा, लेकिन ये दोनों बैगन कभी फल नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 100 नंबर सवाल और आपका आज का लास्ट सवाल होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त संख्या है, तो 4, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग या 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और 7 का वर्ग आपका 49, तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। तो ये आपके थे 100 क्वेश्चन आपके GK, GS और जनरल साइंस के, साथ में आपके मैथ और रीजनिंग के सवाल थे। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो दिल से लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में, नए टेस्ट सीरीज में। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जय हिंद, वंदे मातरम।